सो हेलो स्कॉलर्स, हम आरी पब्लिक स्कूल क्लास 4 मैथ चैप्टर 4 सबट्रैक्शन कर रहे थे। इसके एक्सरसाइज 4.8 हमने करना स्टार्ट किया था, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 था, बस इसमें हमें नियरेस्ट 1000 करना है। तो जैसे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 हमने किया था, वैसे ही हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। एस्टिमेट द डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 1000, आल्सो फाइंड द एक्चुअल डिफरेंस एंड चेक योर एस्टिमेशन। तो नियरेस्ट 1000 बस करना है। सबसे पहले अगर हम ए पार्ट को देखें तो हमें इन दोनों नंबर्स के क्या करने हैं, नियरेस्ट 1000 निकालने हैं। तो ये फॉर्मेट हमने ऑलरेडी लिख करके रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो, क्योंकि ये चार के चार पार्ट में यही सेम फॉर्मेट हमें अप्लाई करना है। सबसे पहले अगर हम चले यहाँ पे तो हमें नियरेस्ट 1000 निकालना है पहली वैल्यू का, जो कि 1209। 1209 जो है ये 1209 है और नियरेस्ट 1000 निकालना है। तो ये मेरा 1000 और 2000 के बीच में 1209 मेरा 1000 और 2000 के बीच में आता है। 1209 ज्यादा क्लोज किसके है, तो ये है मेरा 1000 के क्लोज। तो इसका नियरेस्ट 1000 हो जाएगा मेरा 1000। इसके बाद 1018 का निकालना है, 1018 ये भी मेरा 1000 और 2000 के बीच में आता है। ज्यादा क्लोज किसके है, ये है मेरा 1000 के ज्यादा क्लोज। तो मैं यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा, 1000। ओके, तो 1118 का भी नियरेस्ट 1000 मेरा 1000 होगा। इन दोनों नंबर्स को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा आएगा 0। 1000 में से 1000 माइनस करेंगे तो 0। तो मेरा एस्टिमेटेड डिफरेंस आया बच्चों क्या, 0। अब हमें निकालना है एक्चुअल डिफरेंस। एक्चुअल डिफरेंस हम कैसे निकालते, जो ओरिजिनल वैल्यू रहती है। तो 1209 माइनस 1018 है, ये मेरी ओरिजिनल वैल्यू है, इनको मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा एक्चुअल डिफरेंस आ जाएगा। तो 1209 में से मैंने माइनस किया 1018 को, तो मेरा क्या आएगा, 9 में से 8 गया 1, 0 का बन जाएगा 10, 2 का बन जाएगा 1। 10 में से 1 गया 9 आ जाएगा, और 1 में से 0 गया 1, और 1 में से 1 गया कुछ नहीं। तो 191 जो आया मेरा, वो आया मेरा क्या, एक्चुअल डिफरेंस। अब एस्टिमेशन निकालने, एस्टिमेशन हम कैसे निकालते हैं, ये जो वैल्यू है और ये की वैल्यू है, इन दोनों को माइनस कर दो तो हमारा एस्टिमेटेड डिफरेंस या फिर एस्टिमेशन आ जाता है। तो 191 में से माइनस करेंगे हम 0 को तो हमारा आएगा 191, तो ये आ जाएगी हमारी एस्टिमेशन। तो इस तरह से बच्चों हमें करना है ए पार्ट, मीन्स हमारा हो गया कंप्लीट। मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ इस तरह से ही हमें सारे क्वेश्चन करने हैं चारों पार्ट। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, पहले हमें नियरेस्ट 1000 निकालना है इस नंबर का, तो 5356 लिख देते हैं, 5356। सेकंड नंबर जो है 2914, 2914, क्लियर। अब 5356 का नियरेस्ट 1000 निकालेंगे, तो 5356 आता है हमारा 5000 और 6000 के बीच में, तो ये ज्यादा क्लोज है हमारा 5000 के, तो मैं 5000 लिख दूंगा। 2914 जो है वो मेरा आता है 2000 और 9000 के बीच में, सॉरी 3000 के बीच में, क्लियर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3000। अब ये जो वैल्यू है ये मेरी ज्यादा क्लोज है 3000 के, तो इसका मैं लिख दूंगा क्या बच्चों, 3000। अब 5000 में से 3000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा मेरा 2000। तो ये आ गया मेरा एस्टिमेटेड डिफरेंस। अब मैं निकालूंगा एक्चुअल डिफरेंस। एक्चुअल डिफरेंस जो ओरिजिनल वैल्यू होती है इनको माइनस करके आता है, तो इनको माइनस कर दो, ठीक है, 5356 में से 2914 को। 6 में से 4 गया आ गया 2, 5 में से 1 गया आ गया 4, 3 का बन जाएगा 13 और 5 का बन जाएगा 4, 13 में से 9 माइनस करेंगे आएगा 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 2। तो 2442 आ गया मेरा क्या, एक्चुअल डिफरेंस, है ना। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एस्टिमेशन। वो लाइन मैंने इरेज कर दी क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं थी। एस्टिमेशन, ठीक है, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है बच्चों, दो माइनस करके ये जो वैल्यू हमने निकाली है इन दोनों को बस माइनस कर देना है। तो 2442 में से माइनस कर दो 2000 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, एस्टिमेशन। तो 2 में से 0 गया 2, 4 में से 0 गया 4, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 2 गया 0। तो एस्टिमेशन आ गया हमारा 442, है ना, 442, क्योंकि आगे जीरो लिखा है उसका कोई मतलब है नहीं। तो अगर चाहो तो एक तो आंसर हमारा 442 है, दूसरा हमारा ये 242 है, 2442, और थर्ड आंसर है 2000।
क्लियर। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन करना है, क्लियर। तो 442 हमारा एस्टिमेशन। अब हम करते हैं सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, 5480 है, लिख दिया हमने 3861। अब 5480 का नियरेस्ट 1000 आ जाएगा 5000, 3861 का आएगा 4000। यह मैं करवा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल आपको खुद से ही ट्राई करना है, मीन्स नियरेस्ट निकालना। 5000 में से 4000 माइनस करोगे आ जाएगा 1000। अब हमारा ये आ गया एस्टिमेटेड डिफरेंस, एक्चुअल डिफरेंस निकालना है। तो 5480 में से माइनस कर देना 3861, इसको हम कर लेते हैं 5480 में से 3861। तो 100 में से 1 माइनस नहीं होगा, इसलिए इसको मैं 10 करूंगा, इसकी वजह से ये 7 हो जाएगा। 10 में से 1 जाएगा आएगा 9, 7 में से 6 जाएगा 1 आएगा, 4 में से 8 माइनस नहीं होगा 14 हो जाएगा इस वजह से, और ये 4 हो जाएगा। 14 में से 8 माइनस करेंगे आएगा 6, और 4 में से 3 करेंगे माइनस तो आएगा 1, तो 1619 ये आ गया मेरा एक्चुअल डिफरेंस। अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हटा देता हूं। इसके बाद हमें निकालना है एस्टिमेशन, है ना। एस्टिमेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे करना है। जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, इन दोनों को माइनस करके 1619 में से माइनस करो 1000 को, तो आ जाएगा हमारा 619, और ये तो कुछ बचे गए, तो 619 हमारी एस्टिमेशन वैल्यू आ गई। तो ये जो तीन वैल्यू आई है ये हमारा आंसर रहता है, ये हमारी एस्टिमेटेड डिफरेंस, ये हमारा आ गया एक्चुअल डिफरेंस, और ये आ गया हमारा क्या, एस्टिमेशन। तो इस तरह से बच्चों हमारे लिए क्वेश्चन ये करना है। डी पार्ट अब आप खुद से ट्राई करोगे, डी पार्ट आप खुद से ट्राई करना है और बताना है कि आंसर क्या आएगा। अच्छा, ये यहाँ पे 46009 दिया हुआ है, तो इसका नियरेस्ट 1000 निकालेंगे तो ये आएगा 46000, क्लियर। और इसका अगर आप निकालेंगे नियरेस्ट 34467, तो इसका नियरेस्ट 1000 आएगा 3, और 467 इसलिए 4000। तो ये मैंने नियरेस्ट 1000 भी आपको बता दिए, ये दोनों नंबर निकाल के, वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, आपको खुद से करना है, ठीक है। तो बस अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और अगर कुछ भी हेल्प मिल रही हो आपको तो, और कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकते हो कॉमेंट सेक्शन में। बाकी बस सारी वीडियोज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।